हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आज मैं बनाने वाली हूँ साबूदाना की पूरी। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। मैंने यहाँ पे ले लिया है 1 कटोरी साबूदाना। मैंने मीडियम साइज़ का साबूदाना लिया है। साबूदाना की साइज़ इससे छोटी भी आती है और इससे बड़ी भी, तो मैंने यहाँ पे मीडियम साइज़ का लिया है। तो मैं इसे 5 मिनट के लिए एक कढ़ाई में तल लेंगे साबूदाने को। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे कढ़ाई को रख दिया है गर्म होने के लिए। अब हम इसमें डालेंगे साबूदाना। इसे चलाते रहेंगे 5 मिनट तक। साबुदाने को थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए तब हम इसको उतार लेंगे साबुदाने को। साबुदाना मेरा भुन गया है। अब हम इसे एक थाली में निकाल लेंगे। पलट के इसे ठंडा होने के लिए हम रख देंगे। साबुदाना ठंडा हो गया है। साबुदाना का आटा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है 1 मिक्सर जार। तो हम इसमें डालेंगे साबुदाने को। अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे, इसे पीस लेंगे आटा बनाने के लिए। मैंने साबुदाने को अच्छे से पीस लिया है, आप देख सकते हैं। हमने साबुदानों को इसलिए ठंडा किया था तो ये पीसते समय चिपके ना, अगर गर्म रहेंगे तो एक दूसरे से चिपक जाएंगे, इसलिए मैंने इसे ठंडा कर लिया था। अब हम इसे चलनी से चालेंगे। मैंने यहाँ पे चलनी ले लिया है। अब हम इसमें चाल लेंगे। फिर पीस के इसका आटा बना सकते हो। मैंने यहाँ पे 3 मीडियम साइज के आलू पहले से मैंने उबाल के रख दिया था छील के, एक प्लेट ले लिया है। अब हम इसमें आलू को कद्दूकस करेंगे। मैंने आलू को यहाँ पे कद्दूकस कर लिया है। मैंने जिस कटोरी से साबुदाने को लिया था मैं उसी 1 कटोरी से इस आलू को लूँगी। मैं साबुदाने के आटे में इसको डालूंगी आलू को। अब इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच काली मिर्च, 1 छोटी कटोरी धनिया पत्ती, 1/2 चम्मच जीरा। मैंने यहाँ पे मिर्ची और अदरक को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। आप चाहे तो इसे कूट सकते हैं या फिर इसका पेस्ट ले सकते हैं। स्वादानुसार मैंने नमक लिया है। हम इसे व्रत के लिए बना रहे हैं तो इसमें हम सेधा नमक लिए हैं जो व्रत में खाया जाता है। आलू में आटे को पहले हम इसे अच्छे से मिला लेंगे, उसके बाद हम थोड़ी थोड़ी पानी डालेंगे क्योंकि आलू मेरा पहले से ही थोड़ा गीला है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी हम डाल के इसे मिलाएंगे अच्छे से। हमें आटे को अच्छे से मिला के तैयार करना है, इसे हमें ज़्यादा गीला नहीं करना है। जैसे रोटी का आटा तैयार करते हैं हमें उसी तरह इसको तैयार करना है। थोड़ा सा मेरा डो अभी टाइट लग रहा है तो इसमें हम थोड़ा सा पानी और डालेंगे। अब इसे फिर से हम अच्छे से इसको मिला लेंगे। आटा मेरा तैयार हो गया है। अब हम इसे ढक्कन लगा के 10 से 15 मिनट के लिए इसे रख देंगे। जब तक साबुदाने का आटा सेट हो रहा है तब तक हम इसमें तैयार करेंगे चटपटी चटनी। धनिया पत्ता मैंने यहाँ पे ले लिया है और 1 हरी मिर्च, छोटे छोटे अदरक के 2 टुकड़े मैंने ले लिया है। यहाँ पे आप खड़ा जीरा ले लीजिए, आप चाहे तो इसे भून के भी डाल सकते हो, मैंने कच्चा डाला है। मैं इसे व्रत के लिए बना रही हूँ तो मैं स्वादानुसार सेधा नमक डालूंगी। मैंने यहाँ पे ले लिया है 1/2 नींबू। मैंने यहाँ पे ले लिया है 1/2 नींबू। रस को इसमें निचोड़ लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसे पीस लेंगे। हरी चटनी मेरी तैयार हो गई है, मैंने इसे पीस लिया है। अब देख सकते हैं आटा सेट हो गया है। अब हम इसका पूरियाँ बनाएंगे। हम इसमें थोड़ा सा आटे डाल के देखेंगे तेल मेरा हो गया है कि नहीं। ऑयल मेरा गरम हो गया है। अब हम इसे इसमें सारे पूड़ियों को फ्राई करूँगी।
देख सकते हैं किस तरह पूरियाँ तेल में फूल के हो गई है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। इस तरह बारी बारी से हम सारे पूरियों को अच्छे से तल लेंगे। पूरियाँ फ्राई हो गया है, अब हम इसे निकालेंगे गैस बंद करके। पूरियाँ देखिए फ्राई हो गया है, अब हम इसे सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे व्रत के लिए पूरी अब रेडी हो गया है। आपको मैं पूरियाँ तोड़ के दिखा देती हूँ, कितने अच्छे फूल के बन के तैयार हुए हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट ज़रूर करें।